नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। दरअसल जंगल में चार बदमाश गोकशी कर रहे थे, उन्हीं बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें नईम बदमाश को पुलिस की गोली लगी है और बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं तीन बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, और ये पूरा मामला थाना मंडावली के नारायणपुर इलाके का है। थाना मंडावली के नारायणपुर रतन से रात्रि में लगभग 2:30 बजे गोकशी की सूचना मिली। एसओ मंडावली हिमांशु मैं पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। एक्सचेंज ऑफ फायर में नईम के बाएं पैर में गोली लगी। शेष तीन अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर तमंचा, छुरी, गोबर से संबंधित अन्य उपकरण, पन्नी वगैरह, गोमांस बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओ नागल नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद दबिशें दे रहे हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। समीपुर हॉस्पिटल में लाया गया, इलाज चल रहा है। आर्म्स एक्ट एवं गोबर अधिनियम में गंभीर धाराओं में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।